स्मार्ट शहर और गांव डिजिटल हो रहा है, उद्योग लग रहा है, रोजगार बढ़ रहा है, युवाओं का हर सपना साकार हो रहा है, ये झारखंड भी अपना आत्मनिर्भर बन रहा है, खुशहाली छाई है चाहो। मैं अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर। नमस्कार, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि झारखंड में कौन कौन से विकास के कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही आपको बताते हैं कि लोगों को किस तरह से विकास की ओर ले जाया जा रहा है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम में आपको जानकारी देंगे मनरेगा के तहत कूप निर्माण और तालाब निर्माण के कार्य से किस तरह से किसान लाभान्वित हो रहे हैं और किस तरह से उनको इस जरिए से रोजगार से जोड़ा जा रहा है और उनके आय में वृद्धि हो रही है। तो चलिए, इसी बात को जानने के लिए आपको लिए चलते हैं बुढ़मू प्रखंड में रह रहे उन ग्रामीणों के पास जो कि मनरेगा से लाभान्वित हो रहे हैं और इसके बारे में कुछ अच्छी और नई जानकारी हम तक पहुँचा रहे हैं। किसान अपनी आजीविका के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं, लेकिन सिंचाई की सुविधा ना हो पाने पर वो कृषि कार्य कर पाने में असमर्थ हो जाते हैं। वहीं आज महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी मनरेगा एवं खेत तालाब योजना ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आजीविका के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रही है। इसी क्रम में मनरेगा के तहत तालाबों का निर्माण किया गया है। इन तालाबों के निर्माण का सबसे अधिक लाभ ये हुआ है कि ग्रामीणों को भविष्य में स्वरोजगार के अवसर सुनिश्चित हुए। जोहार, झारखंड विकास की ओर कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम के माध्यम से झारखंड में हो रहे विकास के बारे में बातचीत करते हैं, साथ ही केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न विकास की योजनाओं पर भी चर्चा करते हैं। इसी सिलसिले में आज रांची जिले के बुढ़मू प्रखंड में उपस्थित हैं। यहाँ एक गांव है लावागढ़ा, यहाँ के कुछ लाभुक सरकार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं। आइए उन्हीं लाभुकों में से एक से बातचीत करते हैं। अभी तो विगत 2 सालों से मैं शिक्षक के रूप में हूँ और उसके बाद किसान खेती बाड़ी करता हूँ। देखिए, अभी झारखंड का तो मुख्य फसल है धान, उसके कटने के बाद बहुत सारे फसल लगते हैं, जैसे टमाटर हो गया, मटर हो गया, भिंडी हो गया, करेला हो गया, कद्दू हो गया, तो मतलब विभिन्न तरह का सब्जियाँ हम लोग उस कुआं के माध्यम से जो बिरसा मनरेगा के तहत जो हम लोग को कुआँ मिला है, पहले नहीं था तो काफ़ी लोग को समस्या झेलना पड़ता था, क्योंकि पानी का अगर सुविधा ना रहे तो खेती करना असंभव हो जाता था। तो हम लोग ये बिरसा सिंचाई कूप के माध्यम से हम लोग मनरेगा के तहत जो सिंचाई कूप मिला उसको हम लोग योजना मिला, उस योजना के तहत हम लोग काफ़ी आज भी खुश हैं। और केवल हम भर उस पर आश्रित नहीं है, अगल बगल के लाभान्वित किसान जो सिंचाई करते हैं वो भी अपना लाभ लेते हैं। पहले देखिए, केवल बरसात का मौसम में केवल धान का खेती होता था, कुआं नहीं रहने के कारण वहाँ किसी प्रकार का कोई फसल नहीं लगाया जाता था। हम लोग सबसे पहले तो ग्राम सभा में हम लोग उसको चढ़वाए, वार्ड के माध्यम से उन्होंने मुखिया को दिए, मुखिया ने कार्यकारिणी किए, उसके बाद प्रखंड विकास पदाधिकारी BPO जो होते हैं उनके माध्यम से फिर ये कार्य जियोटेक होने के बाद ये कार्य शुभारंभ हुआ। फिर कुआँ खुदाई चालू हुआ, जैसे जैसे खुदाई चलता रहा साप्ताहिक पेमेंट भी होता रहा, समय से सब जगह भुगतान होता रहा। जब से आपको कुआँ मिला तो आपका मतलब सिंचाई अच्छे से होने लगा, फसल भी लगातार हो रहा आपका? हाँ, फसल भी बहुत बेहतर तरीके से हो रहा है। और जैसे अभी आप देख रहे हैं सुखाड़ के स्थिति में, अभी धान जो लगा हुआ है 2 नंबर 3 नंबर का, उस कुआं से भी हम लोग सिंचाई कर पा रहे हैं। पहले तो सिर्फ धान का ही ये हो जाता था, लेकिन होता था कि 15 से 20 हज़ार मान लीजिए जो हमारा ज़मीन पड़ता था उस पर होता था, लेकिन अभी उस पर विभिन्न प्रकार का सब्जियां उत्पादन करके लगभग मोटा मोटी सीजन पर 50 हज़ार तो इनकम आ ही जाता है। काम तो मनरेगा के तहत हुआ,
लेकिन अब इन खेत तालाबों में लोग मछली पालन कर रहे हैं। इसके अलावा इस गांव में ग्रामीणों ने संपर्क मार्ग तैयार किया है ताकि गांव में आवागमन की सुविधा हो और कस्बों से गांव के बीच के आने जाने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो। सर, मैं तो करता हूँ खेती बाड़ी, यही धान का करते हैं, रबी फसल होता है, धान मड़ुआ गेहूँ मक्का जो भी। सिंचाई का सुविधा यही है कि मनरेगा से मेरे को कुआं मिला और काफ़ी सुधार हुआ, परिवर्तन हो रहा है। पहले 5 साल पहले तो कुआं नहीं था सर, मतलब बहुत कम था मेरे गांव में, लेकिन मनरेगा के तहत जो कुआं मिला हम लोग को, उस कुआं से अभी हम लोग का काफ़ी मतलब बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि हम लोग धान का खेती होता है, उसके बाद कटनी ख़त्म हो जाता है, उसके बाद टमाटर लगता है, गेहूं लगता है, जो अपना जैसा मन करता है किसान वैसा बीज बुआई करके वो अपना निर्धारित खेती कर लेता है। सर, पहले तो हम लोग गाँव में 26 तारीख को जो मीटिंग होता है उसमें आम ग्राम सभा करके और हम लोग जो उसमें कार्यकारिणी में चढ़ाते हैं कि भाई जिसको जिस तरह का जरूरी होता है, मतलब कुआं का हो गया, डोभा का हो गया, शेड का, जिसको मतलब जिस किसान को जिस तरह का मतलब लेने का होता है उस तरह का योजना चढ़ाते हैं। उसके बाद वार्ड देते हैं मुखिया को, मुखिया फिर देते हैं उनको आगे, इसी तरह मतलब पेपर फॉरवर्ड करके ही मतलब योजना को पास किया जाता है। और जब पास होता है तब फिर हम लोग को लाभुक को बोलता है आकर कि भाई आप लोग का योजना पास हो चुका है, आप अपना लेबर खोजिए और काम चालू कीजिए। जितना भी वहाँ रोजगार करते थे सभी का जॉब कार्ड बना हुआ होता था और उन्हीं का जॉब कार्ड के माध्यम से आपका भुगतान किया जाता था। और रही बात की पेमेंट का, तो पेमेंट हर 15 दिन, 1 सप्ताह ऐसे दिनों में भुगतान हो जाती थी। और जब मटेरियल का बारी आया तो मटेरियल के बारे में थोड़ा तो विलम्ब हुआ, लेकिन भुगतान हो गया। खेत तालाबों का लाभ ये हुआ है कि गांव के कुएं में अब साल भर पानी भी बना रहता है, अन्यथा पहले हालात ये थे कि बारिश के 1-2 माह बाद गांव के अधिकांश कुओं का पानी सूख जाता था। गांव में पानी की उपलब्धता तो बड़ी है, साथ ही साथ पानी की पर्याप्त उपलब्धता ने ग्रामीणों को अपने खेतों में सब्जी भाजी लगाने की ओर प्रोत्साहित किया। काफ़ी बदलाव हुआ सर और अंतर काफ़ी आया सर, देखने के लिए भी मतलब लग रहा है कि हाँ हम लोग का सर, हम तो एक युवा है और हम लोग तो सर पढ़ाई लिखाई की बेरोजगार पर है सर, तो हम लोग खेती ही करके ही अपना मतलब व्यवसाय के रूप में मतलब सुधार कर रहे हैं और हम लोग यही खेती करके ही अपना धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। पहले तो कुआं नहीं था तो किसान को बहुत ही दिक्कत होता था खेती करने के लिए, और अभी लगभग बहुत सारा यहाँ पर कुआं बन चुका है तो अब किसान लोगों को दिक्कत नहीं होती है और समय समय पे हर चीज़ का खेती करते हैं, जैसे टमाटर को भी सारा चीज़ का भी खेती हो रहा है, पहले नहीं होता था। और अभी अच्छा खासा इन लोग का इनकम भी आ रहा है खेती से। यहाँ पर किसान लोग बहुत से गाय वगैरह पालते हैं तो उसको उधर से भी बेनिफिट दिया जाता है, और यहाँ पर दूध संग्रह का भी अच्छा से होता है। और किसान लोग गाय पालन करके अभी बहुत सारा कुछ न कुछ आजीविका को बढ़ा रहे हैं। और यहाँ पर जब से गाय का पालन हुआ है तब से बच्चा लोग को भी हम लोग अच्छा तरह से उन लोगों पौष्टिक आहार दे पा रहे हैं। इससे उनकी रोजमर्रा की जरूरतें सब्जी की बिक्री से पूरी होने लगी। इसके अलावा अब ग्रामीण केवल मोटा अनाज ही नहीं उगाते बल्कि वे गेहूं, चावल और दलहन की भी उपज लेने लगे हैं। मनरेगा के पहले तक ये गांव काफी रूखा सूखा रहता था। लगभग 70% लोग रोजगार की तलाश में पलायन कर जाते थे, लेकिन पिछले लगभग 1.5 दशक में हुए जल स्रोतों ने इस गांव की दशा और दिशा दोनों ही बदल दी है।
हमको एक मनरेगा सेट गांव पालन के लिए मिला था। हम तो गाय पालक करते हैं और खेती बाड़ी भी करते हैं। कब से कर रहे हैं गाय पालन? जब से मेरा होश संभाला है, करीब करीब 25 साल से। सरकार के तरफ से मिला है, इसका योजना था 62,000 का, उसमें हमको 15,000 रुपया मिला है। नरेगा में ऐसा है कि जैसे ग्राम सभा की बैठक होती है ना, उसमें ग्रामीण सभी आते हैं और उसमें अब जिसको जो ज़रूरत है वहाँ पर रखा जाता है कि किस व्यक्ति को किस योजना की ज़रूरत है, और वहाँ पर वो पारित करते हैं। उसके बाद वो कार्यकारिणी में जाती है, वहाँ पारित करने के बाद जो पंचायत से स्वीकृत होने के बाद ब्लॉक आते हैं, हम लोग उसको कोड जनरेट करते हैं और उसके बाद फिर उसमें काम शुरू हो जाता है। अब कहने मात्र के लिए ही गांव के लोग दूसरी जगह काम करने चाहते हैं, नहीं तो सभी अब अच्छी खासी खेती बाड़ी और सब्जी भाजी उगाते हैं। सब्जी आदि वे जिला मुख्यालय जाकर बेचते हैं। गांव के संपर्क मार्ग बनाकर ग्रामीणों ने अपने लिए तो अच्छे रास्ते सुलभ कराए ही, साथ ही साथ इस गांव के आसपास के गांव वालों के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत बने। नमस्कार, मेरा नाम रेखा भगत है और मैं बुढ़मू प्रखंड में प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी मनरेगा के पद पर कार्यरत हूँ। आप बीपीओ के पद पर है, अगर यहाँ के किसानों के बारे में बातचीत करें तो अधिकतर लोग देखते हैं कि खेती बाड़ी ही करते हैं, है ना? तो उन लोगों की क्या समस्या थी और अभी क्या स्थिति है, इस बारे में थोड़ा बताएं। बेसिकली मनरेगा क्या है ना, कि मनरेगा का तो उद्देश्य ही है कि परिसंपत्ति का सृजन और रोजगार सृजन करना। तो उसके तहत जैसे कि गाँव में क्या होता है ना कि हम लोग जैसे किसान हैं, तो किसान हैं, खेत तो बहुत है, लेकिन जैसे अभी मौसम हम जैसे देख रहे सभी लोग कि बारिश कभी आ रही है कभी आ नहीं रही है, तो लोगों को दिक्कत हो जाती है, ज़मीन रहते हुए भी नहीं कर पाते हैं। तो हमारे मनरेगा से क्या होता है ना कि हम जैसे कुआं देते हैं तो उससे वो सिंचाई का एक साधन बन जाता है, जिससे सिंचाई करके वो खेती करते हैं। दूसरी बात कि अभी हम लोग कुछ साल से जल संरक्षण के ऊपर भी काम कर रहे हैं, जैसे कि पानी को कैसे गांव में रोका जाए उस पर भी योजनाएं चल रही हैं, जैसे टीसीबी वगैरह हम चलाते हैं। उसमें क्या होता है कि टीसीबी जो ढलान जगह में टीसीबी लेते हैं ताकि वो जो पानी जो बारिश की पानी जो होती है ना वो बाहर नहीं जाती है, वो उससे क्या होता है कि जो ज़मीन का जल स्तर है ना वो धीरे धीरे ऊपर आता है, तो उस योजना में भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जहाँ तक बात रह गया कि मनरेगा के आने के बाद मतलब क्या इनका प्रगति हो रहा है, तो जैसे हम लोगों ने शेड दिया हुआ है तो उसमें पशुपालन करके जैसे गाय पालन करते हैं, उससे दूध बेच के उनसे इनका आजीविका बढ़ रहा है। प्लस जैसे अभी बागवानी हमारा चल रहा है, बागवानी योजना में आम जो हो रहा है आम बेच के इनका लाइवलीहुड को हम लोग बढ़ा रहे हैं। तो इस तरह से सारा योजना पहले की अपेक्षा ये सारा योजना इनके लिए लाभ दे रही है। अगर एक किसान जी कुआं लेना चाहे मनरेगा के जी तहत जी, या गौ पालक या शेड बनवाना चाहे, तो किन प्रक्रियाओं से उनको गुजरना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा बताएं। नरेगा में ऐसा है कि जैसे ग्राम सभा की बैठक होती है ना, उसमें ग्रामीण सभी आते हैं और उसमें अब जिसको जो ज़रूरत है वहाँ पर रखा जाता है कि किस व्यक्ति को किस योजना की ज़रूरत है, और वहाँ पर वो पारित करते हैं। उसके बाद वो कार्यकारिणी में जाती है, वहाँ पारित करने के बाद जो पंचायत से स्वीकृत होने के बाद ब्लॉक आते हैं, हम लोग उसको कोड जनरेट करते हैं और उसके बाद फिर उसमें काम शुरू हो जाता है। आप बीपीओ के पद पर है, आप तो काफ़ी दिनों से काम कर रहे हैं, तो पहले और अब में कितना अंतर आया है उसके बारे में थोड़ा बताएंगे, प्रोग्रेस के बारे में अगर बात करें तो। प्रोग्रेस की बात करें सर, प्रोग्रेस तो हो ही रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में जैसे हो रहा था अभी मैक्सिमम आपको कुआं भी मिलेगा, शेड मिलेगा, जिसमें कि जो गांव के लोग हैं उसमें अपना पशुपालन कर रहे हैं, कुआं से सिंचाई करके खेती कर रहे हैं, बागवानी लेके उसमें उनको रोज़गार भी मिल रहा है, प्लस उनका जो एसेट क्रिएट हो रहा है उससे भी लाभ मिल रहा है। पहले क्या था कि जैसे परती ज़मीन जो बोलते हैं ना, जिसमें खेती बाड़ी नहीं होता है, तो वो ऐसे ही पड़ा रहता था, ज़मीन तो उनके किसान के पास है लेकिन उसका कोई उपयोग नहीं था, क्योंकि उस ज़मीन में खेती हो नहीं सकता था। तो वैसे वैसे ज़मीन को हम लोग चिन्हित करके बागवानी की योजना दे रहे हैं और वो ले रहे हैं लाभों का, और उससे वो फिर। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से बुढ़मू में रह रहे उन ग्रामीणों के बारे में जो कि मनरेगा के तहत खुद को लाभान्वित कर रहे और उससे मिल रहे लाभ को अपना रहे और खुद को रोज़गार से जोड़ रहे। तो चलिए अपने कार्यक्रम को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, आपको लिए चलते हैं धनबाद के बलियापुर में रह रही उन महिलाओं के पास जो कि प्लाई के ऐस से
ईंट का निर्माण करके खुद को लाभान्वित कर रही हैं और खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। तो चलिए मिलते हैं इन महिलाओं से और जानते हैं कि वो किस तरह से ईंट का निर्माण करके खुद को लाभान्वित कर रही हैं और साथ ही साथ अपने आसपास में रह रहे लोगों को भी जागरूक कर रही है, रोजगार से जुड़ने के लिए उत्साहित कर रही है। तो चलिए मिलते हैं इन महिलाओं से। जोहार दर्शकों, कार्यक्रम झारखंड विकास की ओर में मैं सागर आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। दर्शकों, आज हम आ पहुँचे हैं धागी गाँव, जो धनबाद के बलियापुर प्रखंड में आता है और यहाँ हम देखने जा रहे हैं कि यहाँ की महिलाएं फ्लाई ऐश से ईंट का निर्माण कर रही हैं। वो कैसे कर रही हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। मेरा समूह का नाम आदर्श आजीविका सखी मंडल है, इसमें मैं बीके के रूप में काम करती थी। अब मैं फ्लाई ऐश यूनिट का काम आगे बढ़ाने की कोशिश में है। हम इसमें अपना रोजगार को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं। हम 2018 से समूह में जुड़े हुए हैं। मेरा घर का एक ही कमाई था जो मेरे हस्बैंड करते थे। अब मैं इस जेएसएलपीएस में जुड़ के कुछ कमाने की कोशिश कर रही हूँ, जो हमारी जेएसएलपीएस के तरफ से हमें ये मशीन दिया गया है। आप मशीन की ट्रेनिंग कहाँ से ली? प्रशिक्षण हमारे जो इंडस्ट्रीज के लोगों ने आके दिए हैं, बताए हैं। पहले रोलर स्टार्ट करना है, रोलर में मिक्सिंग करना है, पहले फ्लाई डस्ट चार धमा डालना है, क्रेशर डस्ट चार धमा डालना है, एक धमा सीमेंट, एक बाल्टी पानी दे के हम उसको पहले मिला लेंगे अच्छी तरह से। फिर उसके बाद हम बेल्ट को स्टार्ट करके बेल्ट के माध्यम से यहाँ मशीन में भर लेंगे। उसके बाद हम मशीन में ईटा निकालेंगे। एक दिन में हम अभी तक तो 1000 निकाले हैं। हम ईटा को सरकार की जो भी राज्य सरकार की जो भी योजनाएं आएंगी, जैसे इंदिरा आवास नाली वगैरह बनने के, उसमें हम सप्लाई देंगे। बदलाव ये आएगा कि हमारे खान पान में कुछ बदलाव आएगा, रहन सहन में बदलाव आएगा। आगे हमारे गरीबी स्थिति थी, अब थोड़ा बदलाव आएगा। फीलिंग होता है कि हम अपने बल पे कुछ पैसा कमा पा रहे हैं। आप हमें बताएं कि आप ईंट का निर्माण कैसे कर रहे हैं, इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है? हम समूह में जुड़े 2017 में। उससे पहले मैं हाउस वाइफ हूँ। हस्बैंड खाली कमाते थे, वो भी हाजिरी काम करते थे। बताए मतलब चार धमा फ्लाइस देना है और क्रिस्टर डस्ट चार धमा देना है और एक धमा सीमेंट। फ्लाइस को वहाँ से पिता में डालते हैं, वहाँ से डाल के घिसते घिसकते हैं, घिस के यहाँ पर भरते हैं, भर के इसको दबा देते हैं, ईटा बन जाता है। उसके बाद इसको फ्लाइस को उठा देते हैं और प्लेट को निकाल देते हैं। निकाल के हम लोग दो दीदी लोग पकड़ के उधर ले जाते हैं, उधर रख देते हैं। फिर जो मिक्सर मशीन को फिर चालू करते हैं, फिर उसमें डालते हैं, फिर मशीन से माल तो डालते हैं, फिर घिसक के ऐसे ही निकालते हैं। इसमें आपको जेएसएलपीएस किस प्रकार से मदद कर पाया है? ये टोटल हम लोग असेंबल किए हैं, मशीन को असेंबल किए हैं, टोटल कंस्ट्रक्शन का काम किए हैं और ये लोग को ट्रेनिंग दिए हैं किस टाइप से मशीन को हैंडल करना है। कंपनी से आदमी आई थी, कैसे मैन्युफैक्चरिंग करना है, कैसे सेफ्टी बरतना है, कैसे मशीन को रेगुलर मेंटेन करना है, मेंटेनेंस करना है, ताकि कोई तरह का दुर्घटना ना हो। ये मशीन को तो पहले पर डे मेंटेन करना है, जो रेगुलर मेंटेनेंस है, क्यों मशीन चलेगी तो मेंटेन होगी। उसके लिए टोटल टूल्स दिया गया है जो ऑपरेट कर रहे हैं और ऑपरेट कर रहे हैं। रेगुलर मेंटेनेंस करना, नट बोल्ट वगैरह ढीला होगा वो टाइट करना, थोड़ा ग्रीसिंग और मोबिल का काम है, ताकि दुर्घटना ना हो। ये रूअर्बन मिशन कार्यक्रम है, उसके तहत ये फ्लाई ऐश यूनिट का अधिष्ठापन किया गया है। ये यूनिट की कुल लागत 35 लाख रुपए के लगभग की है और इसमें 10% जो है वो करीब 2 लाख रुपया जो है ये महिलाओं को भी कंट्रीब्यूट करना है इसको चलाने के लिए। असल में ये कार्यक्रम ऐसे क्षेत्रों को लिया गया है जो शहर से थोड़ा नज़दीक है लेकिन ग्रामीण क्षेत्र है, और इसको शहर के रूप में विकसित करने के लिए इस कार्यक्रम को भारत सरकार ने चलाया था। और इसके तहत हमारे बलियापुर प्रखंड के पिलानी क्लस्टर को लिया गया है और इस क्लस्टर में 7 पंचायतें हैं और 28 गांव हैं जो कि रूअर्बन क्लस्टर के अंतर्गत में आती हैं। तो इस क्लस्टर में कुछ CGF के फंड थे, क्रिटिकल गैप फंड थे, कुछ कन्वर्जेंस के भी फंड थे। तो ये क्रिटिकल गैप फंड से इस यूनिट का अधिष्ठापन किया गया है और ये यूनिट जो है ये 35 लाख कुछ रुपए की यूनिट है और इसमें 2 लाख जो है ये सदस्यों के द्वारा, जो समूह के दीदियां आइडेंटिफाई हुई हैं इनके द्वारा भी लगाना है। और इस यूनिट को लगाने का उद्देश्य ये है कि महिलाओं का आर्थिक विकास हो सके। इसके लिए हम लोगों ने बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों लिंकेजेस करवाया है,
इनको फ्लाई ऐश का जो डस्ट है वो MPL से आ रहा है और हम लोगों ने MPL से बात करके इनको ये फ्लाई ऐश का डस्ट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दिलवाया है। इसके लिए इनको कोई भुगतान नहीं करना पड़ता है, वो आकर के यहाँ पर फ्लाई ऐश गिरा देते हैं। और जब ये लोग ईंटा बनाने लगेंगे, अभी तो ये यूनिट हम लोग एक सप्ताह पहले ही शुरू किए हैं और ये ईंटा सूखने में करीब 20 दिन का समय लगता है, तो 20 दिन के बाद से हमारा जो है डिलीवरी स्टार्ट होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने सबसे पहले ये कोशिश की है कि जितने भी हमारे प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण में जितने भी घर बन रहे हैं, 15 फाइनेंस में जो भी काम हो रहा है या हमारा जो बिल्डिंग डिवीज़न के अंतर्गत जो भी कंस्ट्रक्शंस के काम हो रहे हैं, तो उनको हम लोग प्राथमिकता के तौर पर पहले ईंटा यहाँ से सप्लाई करेंगे। उसके बाद जो है अगर कोई लोकल पार्टी भी आकर के अगर लेना चाहे तो उनको भी हम लोग दे सकते हैं, लेकिन मुख्यतः अभी हमारा उद्देश्य है कि गवर्नमेंट में जो भी ईंटे की सप्लाई हो रही है वो इसी यूनिट से हम धनबाद में उसकी पूर्ति करेंगे। इनकी हम लोगों ने पहले भी 7 दिन की ट्रेनिंग करवाई हुई है, दूसरे फ्लाई ऐश यूनिट जो हमारे ज़िले में और चल रहे थे वहाँ पर हम लोगों ने इनको भेज करके इनका ट्रेनिंग करवाया है। उसके बाद जिस एजेंसी ने ये मशीन्स को इंस्टॉल किया है ये भी अभी एक सप्ताह तक इनको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देंगे, इनके साथ में आ करके इनको सिखाएंगे कि मशीन में कहाँ पर क्या छोटा मोटा प्रॉब्लम हो सकता है, उसको कैसे हम लोग बना सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मशीन है वाइब्रेशन करती है चलती है तो कुछ नट बोल्ट ढीले होते हैं, तो वो टूल किट इनको उपलब्ध कराया गया है जो जिससे कि वो उसको टाइट करेंगे ठीक करेंगे, तो इसका प्रशिक्षण भी इनको दिया जा रहा है। तो देखा दर्शकों आपने किस तरह से बुड़मू में रह रहे उन ग्रामीणों के बारे में जो कि मनरेगा से लाभान्वित हो रहे, और साथ ही साथ आपने देखा धनबाद के बलियापुर में रह रहे उन महिलाओं के बारे में जो कि प्लाई के ऐस से ईंट का निर्माण करके खुद को लाभान्वित कर रही हैं, खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। तो दर्शकों हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि हमारे आज के कार्यक्रम को अच्छी और नई जानकारी मिली होगी। फिलहाल आज के लिए हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। अपना झारखंड विकास की ओर बढ़ रहा है, झारखंड विकास की ओर।